आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक न्यूज के बारे में। तो गाइस ये हमारे चैनल के ऊपर पहली वीडियो है जो हम टेक न्यूज के ऊपर लेकर आए हैं। अगर आप हमारे इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस देखते हो तो आपको इस चैनल के ऊपर और भी ऐसी ही नई नई टेक न्यूज मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको फिर यहाँ पर और भी ऐसी ही नई नई टेक न्यूज मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नथिंग फोन की तरफ से। तो भाई नथिंग फोन जो है अपनी तरफ से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट लेकर आ रहा है अपने फोनों के अंदर। तो अब वो अपना एक नया फोन जो है लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर आपको एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 5000 एमएच की आपको बैटरी इसके अंदर आपको मिलने वाली है इस बार। तो नथिंग फोन जो पहले आया था जुलाई में 2022 में, तो मेरे ख्याल से इस बार ये जो नथिंग फोन है ये सितंबर में आने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है नथिंग फोन के साथ, इसके अंदर क्या क्या नए अपडेट्स आते हैं। अब इंडिया में वैसे बहुत बड़ी खबर आ रही है ऑनलाइन बैटिंग। तो जितनी भी बैटिंग एप्लीकेशन है इनमें से 294 एप्लीकेशन ऐसी जो इंडिया के अंदर हाल ही में बैन कर दी गई है, क्योंकि इसके अंदर जो चाइनीज कंपनी है वो इंडिया के अंदर कुछ मेंबर्स को पकड़ती है, उन्हें हेड बना देती है, दूसरे बंदों को मजबूर करवाती है उन्हें खेलने के लिए, उन्हें लोन देती है, उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इससे काफी लोग सुसाइड कर चुके हैं अब तक, और बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो ये भाई बहुत ज्यादा बेकार है, इसीलिए इंडिया में ये 294 जो ऐप है ये बैन कर दी गई है बैटिंग के लिए। अगर आप भी बैटिंग पे पैसे लगाते हो तो आप भाई मत लगाना है, मैं बताता हूँ ये आपको काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर अभी तक भी आप लगा रहे थे तो आगे से आप मत लगाइएगा, चाहे आपको कुछ भी मिल रहा सही, क्योंकि शुरू में तो ये जो बैटिंग ऐप ये आपको पैसा देती है लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आपको ऐसे मक्खी की तरह चूसती है ना भाई, आप पक्का ही डिप्रेशन में चले जाओगे या सुसाइड कर लोगे। तो इसीलिए आप इनमें पैसा मत लगाइएगा, आपके सेफ्टी के लिए कह रहा हूं। तो बात कर लेते हैं आईफोन की तरफ से। आईफोन में भाई इस बार आईफोन 16 अल्ट्रा आने वाला है। जी हाँ, पहले मैक्स होता था, प्रो मैक्स होता है, लेकिन इस बार अल्ट्रा आने वाला है। तो ये काफी ज्यादा मोबाइल धमाल मचाने वाला, देखते हैं इस साल तो नहीं डेफिनेटली अगले साल ही लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अब जो ये अल्ट्रा मोबाइल होने वाले हैं भाई ये काफी ज्यादा अच्छे होने वाले, क्योंकि सैमसंग का जो S23 सीरीज चल रही है अल्ट्रा वाली, S23 अल्ट्रा मोबाइल निकल चुका है, उसने आईफोन को पीछे छोड़ दिया। तो इसलिए आईफोन ने भी डेफिनेटली तय कर लिया है कि उसको भी अब अपना आईफोन 16 अल्ट्रा लेकर आना इंडिया के अंदर, जो कि काफी ज्यादा धमाल मचाने वाला। इस साल तो नहीं, वो फोन अगले साल ही लॉन्च होगा। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से इस बार आईफोन की प्राइस भी काफी ज्यादा हाई फाई पहुंचने वाली है। तो इस बार आपको अपनी एक किडनी नहीं शायद दोनों ही किडनी बेचनी पड़ जाए, तो तैयार रहिए। तो नेक्स्ट खबर है वो निकल कर चैट जीपी की तरफ से। तो भाई चैट जीपी जो है एक ऐसा AI सॉफ्टवेयर टूल था जिससे आप कुछ भी काम करवा सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन लिखवा सकते थे, कोई भी प्रोजेक्ट करवा सकते, कोडिंग करवा सकते। तो इससे ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहा था इंडिया में, लेकिन पता नहीं क्यों बैन कर दिया गया, क्योंकि ये चाइनीज कंपनी थी इसीलिए। लेकिन अब गूगल ने ठान लिया कि अब हम है ना, तो हम आपके लिए एक चैट जीटीपी जैसा ही एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, जहां पर आप वो सभी काम कर सकते हैं जो कि चैट जीटीपी के ऊपर भी नहीं होते थे। तो देखते हैं क्या अपना एक नया लॉन्च करता है। गूगल भी अपनी हवाबाजी में, भाई आज हमको भी कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है। चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर अगर आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बता देना। और वो 8 फरवरी को पेरिस के अंदर लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद आपको चैट जीटीपी की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो डेफिनेटली फिर तो आप गूगल का ही यूज करने वाले हो। तो नेक्स्ट खबर निकल कर आई रियलमी की तरफ से। रियलमी को भी पता नहीं कहां से टीका बुखार चढ़ चुका है। जैसे कि आप और फोनों में देखते थे वहां पर टी की सीरीज चलती थी, तो अब रियलमी भी अपना 10T करके एक मोबाइल लेकर आ रहा है जो कि आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा मोबाइल हो सकता है जो आपको अंडर 15,000 के अंदर मिलने वाला है। तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और देखते हैं इस मोबाइल के अंदर क्या क्या नए फीचर्स आने वाले हैं। तो फाइनली OnePlus वालों ने अपने सभी प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। 11, 11R, 11R फोल्डर फोन और भी बहुत सारे गैजेट्स, OnePlus का पैड, टीवी, बर्ड्स और भी बहुत सारे गैजेट्स जो OnePlus ने अपने सभी प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। तो OnePlus वालों आपके मजे आने वाले हैं, आपको OnePlus के सभी प्रोडक्ट मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए OnePlus के और भी नए नए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। OnePlus आपको काफी अच्छे प्राइस पर मिलने वाला है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 60 को इस बार पार करेगा, लेकिन नहीं, ये 56,999 में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो काफी सही प्राइस है OnePlus के हिसाब से। तो इसके जो मोबाइल होते हैं ये भी आपको काफी ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं, इनकी आपको क्वालिटी काफी अच्छी देखने के लिए, परफॉर्मेंस आपको इनकी काफी ज्यादा बेस्ट देखने के लिए मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 8 जेन इसके अंदर आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 5000 एमएच की आपको इसके अंदर बैटरी देखने के लिए मिलती है। 50 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर कैमरा मिलने वाला है। कर्व्ड डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पर अच्छी लगी, लेकिन OnePlus R आपको यहाँ पर 40,000 से शुरू होने वाला, तो ये मुझे उससे ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि 128 आपको इसके अंदर LPE लेटर मिल जाता है। कर्व्ड डिस्प्ले आपको इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 आपको इसके अंदर प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। 5000 एमएच की बैटरी, फास्ट चार्जिंग और साथ ही में 5G है 256 स्टोरेज के साथ। तो इसलिए मुझे OnePlus की प्राइस काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ये आपको काफी अच्छी प्राइस में काफी अच्छे मोबाइल आपको प्रोवाइड करवाता है। उसी के साथ OnePlus का पैड आया है। पैड है डायमंड सिटी 9000, 11 इंच की या इससे थोड़ी ज्यादा आपको इसके अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। 144 IPS रिफ्रेश रेट की बड़ी बैटरी, 9500 एमएच की आपको यहाँ पर बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। 64 वाट की आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने
देखने के मिल जाएगी। और इसके प्राइस के बारे में अभी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। OnePlus 11 कॉन्सेप्ट के नाम से फोन आ रहा है OnePlus की तरफ से, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा मोबाइल होने वाला है जो कि MWC बार्सिलोना में ये लॉन्च करेंगे। तो OnePlus ने अपने फोल्डेबल फोन को भी टीज कर दिया है। जी हाँ, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इवेंट में बता दिया कि हमारी तरफ से एक फोल्डेबल फोन भी जल्द ही आने वाला है, तो जो शायद हमें इस साल देखने के लिए मिल सकता है। तो OnePlus की तरफ से दो नए बड्स भी आ चुके हैं जिनका नाम है OnePlus Pro 2R और 10,000-12,000 प्रीमियम प्राइस से इनकी स्टार्टिंग होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की टेक न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही नई नई टेक न्यूज यहाँ पर और भी ज्यादा धमाकेदार मिलने वाली है। अब बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं आपके हाथ से ये धमाका निकल ना जाए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।